नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल धर्मसूत्र में। आज का वीडियो उनके लिए बहुत ही खास है जिसके घर में हमेशा कलह एवं अशांति बनी रहती है और उसका कारण घर का कोई एक सदस्य होता है। इस एक सदस्य के व्यवहार, चाल चलन, कुसंगति, कुमार्गी होने की वजह से घर को हमेशा दुख, अपमान और तिरस्कार का सामना करना पड़ता है। अब ये कोई भी हो सकता है, जैसे कि आपकी पत्नी शादी से पहले ठीक लगती रही हो और शादी के बाद वो आपके माता पिता का सम्मान न करें, घर के प्रति कोई जिम्मेदारी न ले, पति का सम्मान न करें। हो सकता है घर का पुत्र या पुत्री गलत राह में हो, गलत संगति में हो, गलत आचरण करने लगे हो। पुत्र विवाह के बाद पत्नी के बहकावे में आकर धन का अपव्यय करने लगा हो। कई बार देखा गया है कि घर के बड़े ही धन को बर्बाद करने लगते हैं। उनको अचानक नशे की लत लग जाती है, किसी को जुआ सट्टा में धन बर्बाद करना पसंद आने लगता है और ये घर की तरक्की में बाधा का कारण बनते हैं और वो कभी भी घर के हित में कुछ भी सोच नहीं पाते। ऐसे में आपको लगता होगा कि काश हम इसे वश में कर पाते, काश हम इनको जो भी बोलें वो हमारी बात मान जाता, काश वो व्यक्ति घर के हित में सोचता। अगर आप भी ऐसी ही परेशानियों से जूझ रहे हैं तो आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने घर के ऐसे ही किसी व्यक्ति को वश में करके अपनी बात मनवा सकते हैं। ये उपाय आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। इसके साथ ही हम आपको बताएंगे कि आपको क्या सावधानियां रखनी होगी और आपका ये वशीकरण प्रयोग अगर पहली बार में असफल होता है तो क्या कारण है, और साथ ही आपके इस प्रयोग को सफल कैसे बना सकते हैं। अगर आप इस प्रयोग को करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपके घर में सब कुछ अच्छा हो जाए तो कमेंट में जाकर हर हर महादेव लिख दें। इस प्रयोग में महादेव भगवान शिव की कृपा होना जरूरी है। आइए दोस्तों, चलते हैं इस वशीकरण प्रयोग की तरफ। एक, सबसे पहले आपको आंख का एक पौधा ढूंढना है। ये काम आपको प्रयोग के दो दिन पहले ही कर लेना है। आंख का पौधा ऐसा ढूंढे जिसमें पत्ते ज्यादा हों। कोशिश करें कि आप इस पौधे को दोबारा नहीं देखें, लेकिन फिर भी अगर आप ज्यादा दूर नहीं जा सकते तो भी आपको ऐसा आंख के पौधे का चयन करना है जिसके पास आप कभी भी किसी भी काम से नहीं जाएंगे। लेकिन अगर आप ऐसा आंख का पौधा का चयन करते हैं जिसको आप दोबारा नहीं देखेंगे तो वो सबसे उत्तम होगा। दो, आपको हल्दी की गांठ लेना है और उसे घिसकर पेस्ट बना लेना है। आप चाहें तो हल्दी पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपको प्योर हल्दी पाउडर का इस्तेमाल करना है। मिलावटी हल्दी का प्रयोग नहीं करना है। इसके साथ आपको रक्षा सूत्र लेना है और एक बांस की सींक लेना है। आप चाहे तो अगरबत्ती के बांस को भी प्रयोग में ला सकते हैं। इस सींक के एक छोर पर आपको थोड़ी सी रुई लगानी है ताकि आप इसे लिख पाए। एक दिया, अगरबत्ती और एक लोटा जल रख लें। तीन, ऊपर बताए गए चीजों को तैयार पहले से कर लें। अब आपको इस प्रयोग को सिर्फ सोमवार को ही करना है। दिन का चुनाव बहुत जरूरी है, बाकी किसी दिन यह वशीकरण प्रयोग काम नहीं करेगा। ये काम आपको 12 बजे से पहले करना है। अगर आप अभी तक वीडियो में बने हुए हैं तो कमेंट में जाकर हर हर महादेव लिख दें। इस प्रयोग में महादेव भगवान शिव की कृपा होना जरूरी है। चार, सोमवार को उस आंख के पौधे के पास जाएं। आपको सूर्य की दिशा की तरफ मुंह करके खड़े होना है। सबसे पहले आप दिया और अगरबत्ती जलाएं और आंख के पौधे की पूजा करें। आंख के पौधे में भगवान गणेश का वास होता है और भगवान गणेश को विघ्नहर्ता, संकट नाशक कहा गया है। अगर इनकी कृपा आपको मिलती है तो आपके जीवन में कैसा भी दुख हो सारे दूर हो जाएंगे। इसके साथ ही आंख का फूल भगवान शिव को सबसे ज्यादा प्रिय माना गया है, इसलिए भगवान शिव का भी ध्यान करें। पांच, अब आपको इस पौधे में दो साफ पत्ते का चुनाव करें जो एक दूसरे के नजदीक हों। अब हल्दी का पेस्ट और सींक की मदद से आप सबसे पहले एक पत्ते में अपना नाम लिख लें। इसके बाद दूसरे पत्ते में आप उसका नाम लिखें जिसे आप वश में करना चाहते हैं। अब आप दोनों पत्तों को एक दूसरे चिपकाकर रक्षा सूत्र से बांध दें। अब आपको गणेश वशीकरण मंत्र का 21 बार बिना त्रुटि के जाप करना है। मंत्र आपके स्क्रीन पर है। श्री ह्री क्लीन ग्लोंगम गणपतये वर वरद सर्वजन में वशमानाय स्वाहा। अब आप एक लोटा पानी पौधे की जड़ में अर्पित कर दें। अब हाथ जोड़कर अपने व्यथा बताएं कि इस कारण से मुझे ये वशीकरण प्रयोग करना पड़ रहा है और इस वशीकरण प्रयोग को करने में मैं आपको कई कष्ट दे रहा हूं या दे रही हूं, इसके लिए आप मुझे क्षमा करें। कृपया आप इस प्रयोग को सफल करने में मेरी मदद करें जिससे मेरे घर में आने वाली परेशानियों का अंत हो सके।
अब आप इस जगह से वापस आ जाएं। पीछे मुड़कर न देखें और हो सके तो इस पौधे को भी जीवन में दोबारा न देखें। इस प्रयोग को करते समय आपको किसी से बात नहीं करना है, चाहे कोई आपको टोके तो भी आपको कुछ बोलना नहीं है, बस अपना प्रयोग करके वहां से घर वापस आना है। वशीकरण प्रयोग की सावधानियां। एक, आपको ये वशीकरण तभी करना है जब परिस्थिति बहुत खराब हो। इसे कंट्रोल करने के लिए आपके हाथ में कुछ भी ना हो। दो, ये प्रयोग तभी करें जब इसमें आपके साथ साथ उस व्यक्ति की भी भलाई हो जिसे आप वश में करना चाहते हैं। जैसे कि अगर पुत्र पुत्री गलत रास्ते में हो और आप उनको सही रास्ते में लाना चाहते हैं ताकि उनका आने वाला जीवन खुशहाली में कटे, या फिर अगर आपका प्रेमी या प्रेमिका से किसी भी वजह से ब्रेकअप हो गया हो या दूरियां बढ़ गई हैं जिसमें आपको कोई गलती नहीं, तो ये प्रयोग करें। लेकिन अगर आप इसे अपने स्वार्थ सिद्ध के लिए ये प्रयोग कर रहे हैं, आप इस वशीकरण से किसी का अहित चाहते हैं, आप किसी से प्रेम करते हैं लेकिन सामने वाला आपसे कोई ऐसे रिश्ते नहीं रखना चाहता हो, यानी कि आप उसे अपने स्वार्थ के लिए वश में करना चाहते हैं, तो आप अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने वाले होंगे। गलत उद्देश्य से किया गया कोई भी वशीकरण आपको ही कष्ट देगा। हो सकता है आप इस काम में सफल हो जाएं, लेकिन यह आपके जीवन में दुखों का पहाड़ लेकर आएगा। तीसरा, आप जब इस वशीकरण को करें, आपको इस प्रयोग पर उस भगवान पर भरोसा होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप इस प्रयोग को बेमन से करें, अगर आप ऐसा करते हैं तो भी आपको असफलता हाथ लगेगी। चार, हो सकता है आपका प्रयोग सफल ना हो, जिसका कारण कई हो सकते हैं, जैसे कि आपकी श्रद्धा ना हो फिर भी आप कर रहे हो, या फिर आप इसे एक ट्राई करने की तरह करना चाहते हो। यह भी हो सकता है कि आपका विश्वास तो है लेकिन प्रारब्ध के कारण आप असफल हो जाएं। हो सकता है आप खुद भी नीति धर्म के मार्ग में चलने वाले ना हो। ऐसे कई कारण होते हैं जिससे आपके प्रयोग विफल हो जाते हैं। लेकिन अब प्रश्न ये आता है कि अगर प्रयोग विफल हो तो क्या करें, वशीकरण जब काम न करें तो क्या करें? मित्रों, प्रारब्ध आचरण ठीक न हो और सिर्फ अपने फायदे के लिए किया गया प्रयोग कई बार सफल नहीं होते। एक उदाहरण से समझते हैं। अगर कोई पिता है और वो अपने पुत्र के सही मार्ग में आने के लिए ये प्रयोग कर रहा है लेकिन पिता का ही आचरण खराब हो, वो खुद गलत रास्तों पर चलता हो, तो आपका ये प्रयोग कभी सफल नहीं होगा। अतः आपको खुद को बदलना होगा। आपको अपने आचरण सुधारने का संकल्प करके ये प्रयोग करना होगा। सब ठीक होने के बाद भी अगर आपका प्रयोग विफल होता है तो आपको इस प्रयोग को महीने में एक बार दोहराते रहना है। लेकिन जब आपको ये लगे कि सामने वाला आपकी बातों को मानने लगा हो तो इस प्रयोग को न दोहराएं, क्योंकि इसके बाद धीरे धीरे परिस्थिति बदलने लगेंगे। मित्रों, आइए पूरे विधि को एक संक्षिप्त में एक बार और जानें। एक, ऐसे स्थान में आग का पौधा खोजें जहां आपको दोबारा जाना ना पड़े। दो, अब सोमवार के दिन उस पौधे के पास जाएं और दो पत्तियों को साफ कर लें। तीन, एक सींक की सहायता से पहले एक पत्ते में अपना नाम लिखें, फिर दूसरे पत्ते में उस व्यक्ति का नाम लिखें जिसे आप वश में करना चाहते हैं। चार, अब आप ऊपर बताए गए मंत्र का 21 बार जाप करें। पांच, एक लोटा पानी चढ़ाकर प्रार्थना करें। इस प्रयोग से आप देखेंगे कि सामने वाला व्यक्ति आपकी सारी बातें मानने लगेगा और आपके वश में पूरी तरह रहेगा। आप इस प्रयोग को करके सामने वाले से अपनी बात मनवा पाएंगे। आशा है आप इस प्रयोग जिसके लिए भी करें उसमें उसकी भलाई होगी। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और किसी जरूरतमंद से जरूर शेयर करें। ये वीडियो किसी के जीवन में आने वाली परेशानियों से छुटकारा दिला सकता है। धन से जुड़ी समस्या है तो राइट वाला वीडियो देखें। मिलते हैं अगले वीडियो में।